में आएगा, ठीक है। अगर क्लास के बीच में क्लास ज्वाइन करते हो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलो हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा नौवीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं? कक्षा नौवीं की गणित विषय। और गणित विषय हम में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नौवीं कक्षा का अध्याय वन, जिसका नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, है ना। चलो, और नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। तो जिन जिन बच्चों को प्राकृतिक संख्या के बारे में पता है वो बच्चा चैट बॉक्स में वाई टाइप करेगा, जिनको नहीं पता है चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। जिनको जिनको प्राकृतिक संख्या के बारे में पता है वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं पता है एन टाइप करेंगे। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जिनको जिनको प्राकृतिक संख्या के बारे में पता है वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं पता है एन टाइप करेंगे। मतलब अधिकतर बच्चों को पता है, ठीक है। चलो, जिनको नहीं पता है कोई नहीं, मैं आपको बता दूंगा, सिखा दूंगा क्या होता है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं प्राकृतिक संख्याएं, है ना। तो देखो, जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जा सकती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। जिन संख्याओं के उपयोग से किसी वस्तु की गणना की जा सकती है उससे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर कैसी संख्या होंगी जिनका उपयोग हम लोग गणना में करते हैं। गणना करने का मतलब होता है गिनती करना। गणना करने का मतलब क्या हो गया? गिनती करना। जैसे कि आपके स्क्रीन पे देखो एक दिख रहा होगा, एक बैलून दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है आपको? एक बैलून दिख रहा होगा। अब आप बताओ, हम बोलेंगे कि हमारे पास कितनी बैलून है, तो हम बोलेंगे हमारे पास एक बैलून। हम क्या बोलेंगे? हमारे पास कितनी बैलून है? हमारे पास एक बैलून है। ठीक उसी प्रकार जल्दी बताएं सर बच्चे, अभी हमारे पास कितनी बैलून है? जल्दी बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में, अभी हमारे पास कितनी बैलून है? सही बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में हमारे पास कितनी बैलून है। चलिए काउंट करते हैं, एक दो तीन चार पांच। कितनी बैलून है? पांच। यानी हम इन बैलून की गणना कर सके कि हमारे पास पांच बैलून है, है ना। ठीक उसी प्रकार अगला देखते हैं, हमारे पास कितनी बैलून है? चलो काउंट करते हैं, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ। हमारे पास कुल कितनी बैलून हो गई? हमारे पास कुल आठ बैलून हो गई। मतलब हमारे पास कुल कितनी बैलून हो गई? हमारे पास आठ बैलून हो गई। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि देखो हम लोगों ने वस्तुओं की गणना किसके हिसाब से की? तो संख्याओं के मदद से की। किन संख्याओं के मदद से की? तो एक से किया, पांच से किया, आठ से किया। तो यानी कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिनका उपयोग करके हम लोग वस्तुओं की गणना कर सकते हैं? चलो वो भी देख लेते हैं कौन कौन सी संख्या है। तो जैसे कि एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच छ सात आठ नौ। ये सब ऐसी संख्याएं हैं जिनका उपयोग करके हम लोग वस्तुओं की गणना कर सकते हैं। अब बहुत बच्चों को ये डाउट आ रहा होगा कि सर सिर्फ हम लोग कुल नौ संख्याओं का उपयोग करके हम लोग वस्तुओं की गणना कर सकते हैं? नहीं। अगर आपको मैं बोलूं कि 20, हम 20 से भी हम लोग गणना कर सकते हैं। बोलते हैं 20 किताबें, 20 कॉपी, 20 पेन, बोलते हैं ना। यानी 20 पेन कहने मतलब कि हम पेन की गिनती कितना कर रहे हैं? 20 से। मतलब हमारे पास कुल कितने पेन है? हमारे पास कुल 20 पेन है। हमारे पास कुल कितने पेन है? हमारे पास कुल 20 पेन है, है ना। ठीक उसी प्रकार 40 किताबें, 60 पुस्तकें। तो यानी हम लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग ऐसे बोल रहे हैं कि हम लोग संख्याओं के मदद से ये बता रहे हैं कि हमारे पास कुल कितनी वस्तुएं हैं। संख्याओं के मदद से हम क्या बता रहे हैं कि हमारे पास कुल कितनी वस्तुएं हैं, है ना। यानी यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा कि ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग हम लोग वस्तुओं की गणना। हमारे मौसम खराब है, आपकी आवाज कट कट के आ रही है और बिजली चमक रही है। राजेश कुमार नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है बाबू, सेम सिचुएशन मेरे तरफ भी है, लेकिन मैं भी क्लास ले रहा हूँ ना, मैं भी आपको पढ़ाने की पूरा कोशिश कर रहा हूँ ना, तब पढ़ा कीजिए। हो सकता है कि आपके तरफ थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो, तो हो सकता है आज के थोड़ा बहुत नेटवर्क इश्यू हो, तो वो आज की थोड़ा बहुत पढ़ लो अच्छे से। मेरे तरफ भी सेम इश्यू है, मेरे तरफ भी लाइट आ रही है, बादल गरज रही है, बिजली चमक रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना। कोशिश किया कीजिए कि बाबू आप लोग उसमें भी पढ़ लिया कीजिए, ठीक है। कंप्लेन मत किया कीजिए, ठीक है। चलो
समझ में आ गया आपको? अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे सर बच्चे। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, यानी यहां से हमको ये समझ में आ गया है ना कि अगर कोई भी वस्तु की गणना करनी है ना तो जिस संख्याओं का उपयोग करते हैं उसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर कहते हैं। अब आपको यहाँ पे ये समझ में आ रहा होगा ना कि गणना करने के लिए कम से कम एक से शुरू होना पड़ेगा, यानी हमें यहाँ से क्या समझ में आया कि प्राकृतिक संख्या जो होती है वो एक से प्रारंभ होती है, एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है ना। अब आप ध्यान दोगे, प्राकृतिक संख्या का इंग्लिश का मतलब होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर। तो यहां से हम क्या सीखे? यहां से ये सीखे नेचुरल नंबर मतलब यहाँ पे कैपिटल एन से शुरू हो रहा है, यानी हम लोग इसे एन से दर्शाते हैं, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एन। यानी प्राकृतिक संख्या जो होती है किससे शुरू होती है? एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, और हम इसे कैपिटल एन से दर्शाते हैं। मतलब प्राकृतिक संख्या क्या होती है? एक से शुरू होती है और इसको हम लोग कैपिटल एन से दर्शाते हैं और ये अनंत तक जाती है। समझ में आ गया? चलो, तो एक प्रश्न सारे बच्चों से है कि सारे बच्चे जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में बताएंगे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? जल्दी बताएंगे सब बच्चे। मैंने जीरो के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है, मैंने तो वन से शुरू किया है। बहुत बढ़िया, बोलते हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है एक। कौन सी है? एक। यानी एक जो है हमारी सबसे छोटी, मैं लिख देता हूं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है एक जो है हमारा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है ना। यहां तक समझ में आ गया? चलो, जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे सर बच्चे, है ना। चलो, अब आती है बच्चे, कुछ बच्चे क्या कर रहे थे? जीरो टाइप कर रहे थे। अब आती है बात की कुछ बच्चे जो है जीरो टाइप कर रहे थे। चलो, तो मैं जीरो के बारे में भी आपको बता देता हूँ, ठीक है? देखो, जीरो क्या बोलता है? जीरो क्या बोलता है? जीरो बोलता है कि मैं एक प्राकृतिक संख्या नहीं। जीरो क्या बोलता है? जीरो सेज दैट आई एम नॉट ए नेचुरल नंबर। जीरो क्या बोलता है? जीरो बोलता है कि मैं प्राकृतिक संख्या नहीं हूं। मतलब कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि हमें पता है प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है, तो प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है। प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है, तो प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जीरो जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है। जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर। जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। अगर आपको यहां तक दम आसानी से समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। सभी बच्चे करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और फिर चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है। अनु चौहान ने हमसे जो भी बच्चा ज्वाइन किया है, एक बार अगर आप वाई टाइप करते हो मुझे समझ में आ जाता है कि आपको समझ में आ गई है ना। चलो, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पोल सेक्शन बारे में, ठीक उसी प्रकार आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न दिया गया है और इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है? पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर करनी है, ठीक है? चलो, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर करो। कहां करना है आपको इस प्रश्न का उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर करना है। आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व करो और इसका उत्तर जो है आप पोल सेक्शन में जाकर करो। चलो, किसी बच्चे को माइक ऑन नहीं करना, इसका उत्तर कहां देना है? पोल सेक्शन में। अगर आपको पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है तब आप माइक ऑन करो और बोल दो मुझसे कि सर एक बार पोल सेक्शन के बारे में बता दो कैसे आता है। अगर आपको पता है तो पोल सेक्शन जाकर आप इसका उत्तर करो। प्रश्न बहुत ही सरल, प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है? अगर आपको आंसर पता है तो पोल सेक्शन जाकर दो, माइक ऑन करके जो बच्चा बोलेगा उनको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। सिंपल बात है।
चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो लास्ट 30 सेकेंड लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड। अगर आपको पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है आप माइक ऑन करो और पूछो मुझसे कि सर एक बार पोल सेक्शन के बारे में बता दो, मैं बता दूंगा, ध्यान देंगे। अगर आप पोल सेक्शन में उतर नहीं करते हो तो आपके अटेंडेंस लगने के चांसेस बहुत सर अच्छे कम हो जाते हैं। को ठीक है चलो एक बार फिर से बताता हूँ नहीं पोल सेक्शन पता। कैसे। हाँ मैं बताता हूँ, चलो मैं फिर से बताता हूँ। देखो पोल सेक्शन कैसे आता है, देखो आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदु होंगे। चलो कैसे होंगे मैं दिखाता हूँ आपको। देखो देखो आपको ये मोबाइल दिख रहा होगा, इस मोबाइल के देखो कॉर्नर में देखो 3 बिंदु दिख रहे हैं। इस 3 बिंदु पे आपको क्लिक करना है, आपके मोबाइल के कॉर्नर में आपको 3 बिंदु दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा। किसका ऑप्शन दिखेगा, एक्टिविटीज का। आप एक्टिविटीज पे क्लिक यस करो सर दिख रहा है। जैसे, हाँ ठीक है, आपको माइक ऑन करना नहीं है। एक्टिविटीज पे क्लिक करो, जैसे एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे पोल दिखेगा, पोल पे क्लिक करो और इन चारों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन सही है, जैसे मान लो ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, जो भी ऑप्शन सही है उस पर क्लिक करो और उत्तर दे दो, वोट कर दो। ठीक है जल्दी करो, 4 बजे करेंगे। चलो दोबारा बताओ सर एक बार और। मैं क्या करता हूँ, एक बार आपको अपना स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। ठीक है चलो ध्यान देंगे सर बच्चे। चलो चलो जिन बच्चे थोड़ा बहुत पोल सेक्शन में डाउट है ध्यान देंगे। देखो आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदु दिख रहा है, देखो स्क्रीन कॉर्नर में 3 बिंदु, मैं इस पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं इस पे क्लिक किया देखो हमको एक्टिविटीज के नीचे ऑप्शन दिख रहा है, एक्टिविटीज पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं एक्टिविटीज पे क्लिक करूंगा मुझे पोल दिखेगा, पोल पे गया। अब मान लो हमको ऑप्शन देख लेना था वहां पे कौन सा ऑप्शन सही, जैसे मान लो ऑप्शन सी सही है तो ऑप्शन सी पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं वोट कर दूंगा। ठीक है जैसे वोट किया फिर यहाँ से ऊपर हमें बैक चले आना है और मैं मुझे फिर से अपने स्क्रीन पे चले आना है। ठीक है उम्मीद करते हैं कि जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी डाउट था पोल सेक्शन के बारे में उनको अभी समझ में आ गया होगा, है ना। तो जल्दी से आप इसका उत्तर आप कहाँ कर दो, पोल सेक्शन में जाकर उत्तर कर दो। ठीक है लास्ट 20 सेकेंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लास्ट 20 सेकेंड। चलो जहां तक मैं देख पा रहा हूं अभी भी बहुत बच्चे बाकी हैं, कुछ बच्चे अभी बाकी हैं, जल्दी कीजिए इसका उत्तर। क्या करना आपको, इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है चलो बहुत करिए बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 10 सेकेंड, जब तक आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो तब तक आपके अटेंडेंस लगने की चांसेस बहुत ही कम है। अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर करोगे उस समय देख के पता कर पाते हैं कौन बच्चा उत्तर कर रहा है और कितना अच्छा उत्तर कर रहा है, उसके हिसाब से मतलब अपना रिपोर्ट बना सकते हैं। ठीक है चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 5 सेकेंड में क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी जल्दी पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है चलो 5 4 3 2 1, है ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, चलो देख लेते हैं। देखो तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। और हमें पता है प्राकृतिक संख्या जो होती है कहां से शुरू होती है, तो प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 और 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है ना। तो चलो ऑप्शन ए देखते हैं, 1/2। क्या 1/2 हमें कहीं दिखा, नहीं दिखा, यानी ऑप्शन ए तो गलत हो गया है। 0 हमें कहीं दिखा, नहीं दिखा, यानी समझा ऑप्शन कीजिए सी गलत हो करता गया। हूँ। चलो मैं इनको क्लास से बाहर निकाल देता हूँ। चलो ठीक है, और किसी बच्चे को माइक ऑन करना है तो बोलो, मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा, फिर हम लोग आसानी से पढ़ेंगे। चलो उससे पहले देखो यहाँ पे -6 ऋणात्मक 6, मैंने कहीं ऋणात्मक के बारे में पढ़ा है आपको, अभी तक नहीं पढ़ा, यानी यहाँ कहीं ऋणात्मक दिख रहा है, नहीं दिख रहा, यानी ऑप्शन डी तो ऐसे ही गलत हो गया। चलो ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन सी क्या है, 5 है, यानी ऑप्शन सी जो है देख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या है, यानी ऑप्शन सी जो है मेरा एक प्राकृतिक संख्या है, 5 एक प्राकृतिक संख्या है, 5 इज ए नेचुरल नंबर, है ना।
ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। सारे बच्चे करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। ठीक है, चलो ले लिया अपने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक, इसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और इस प्रश्न का भी उत्तर आपको कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। ठीक है, जल्दी से जल्दी उत्तर करेंगे। कोई बच्चा इसका उत्तर चैट बॉक्स में नहीं करेगा, कहां करेगा, पोल सेक्शन में उत्तर करेगा। प्रश्न देखो इतना सरल है, प्रश्न बोला है निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। ध्यान दीजिए पहले सारे बच्चे, ध्यान से पढ़ेंगे पहले क्या लिखा है। नहीं बोला है कि कौन प्राकृतिक संख्या नहीं है, इस पे ध्यान देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर, कौन नेचुरल नंबर नहीं है, कौन प्राकृतिक संख्या नहीं है, हमें नहीं पे ध्यान देना है। ठीक है, चलो ध्यान देंगे, हमें किस पे ध्यान देना है, हमें नहीं पे ध्यान देना है, नहीं पे। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व करो और इसका उत्तर कहां दो, पोल सेक्शन में जाकर आप इस प्रश्न का उत्तर करो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, चलो सारे बच्चों को उत्तर आना चाहिए, कहां आना चाहिए, पोल सेक्शन में उत्तर आने चाहिए, है ना। ठीक है, चलो जल्दी करेंगे सारे बच्चे, उत्तर करेंगे कहां पे, पोल सेक्शन में। लास्ट 1.5 मिनट, अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो तो आपके अटेंडेंस लगने के चांसेस बहुत ही कम है। जल्दी जल्दी इसका उत्तर पोल सेक्शन में करो सारे बच्चे, जल्दी करेंगे सारे बच्चे, इसका उत्तर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में करेंगे, है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो जिन बच्चों ने अभी भी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन नहीं किया, जल्दी करेंगे इसका उत्तर कहां पे, पोल सेक्शन में, जल्दी करेंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लास्ट 50 सेकेंड, अगर आपको अभी भी थोड़ा बहुत भी पोल सेक्शन में डाउट है पूछ लीजिए माइक ऑन करके, सर एक बार फिर से बता दो मैं बता दूंगा, नहीं तो सही बच्चों को देना है पोल सेक्शन में उत्तर। अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं देते हो तो आपके अटेंडेंस लगने में चांसेस कम है, आपको रिपोर्ट नहीं मिलेगा आपको कुछ भी कि आप क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। अगर जब तक आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग पोल सेक्शन में उत्तर करो, जब तक आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करोगे तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो लास्ट 30 सेकेंड, बहुत बढ़िया है। जो बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर कर रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो लास्ट 20 सेकेंड, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चों से उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्द जल्दी पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5, 4, 3, 2, 1, है ना। चलो देखते हैं क्या बोला है कि इनमें से कौन प्राकृतिक संख्या नहीं है, इनमें से कौन प्राकृतिक संख्या नहीं है। चलो देख लेते हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, ऐसी संख्या है जो एक से शुरू हो, ऐसी संख्या जो एक से शुरू हो, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे क्या होगा, ये संख्या क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्या, ऐसी संख्या जो एक से शुरू हो और अनंत तक जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 623 जो कि आगे कहीं ना कहीं 623 भी आएगा और आगे कहीं ना कहीं आपका 10011 भी आएगा और आगे कहीं ना कहीं आपका और भी आएगा। अब जाओ चलो ऑप्शन ए देखते हैं, ऑप्शन ए क्या दिया है, 623, हाँ 623 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है कि कौन प्राकृतिक संख्या नहीं है, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा गलत उत्तर है। क्यों, क्योंकि हमें प्राकृतिक संख्या नहीं बतानी है ना। चलो ठीक, उस प्रकार ऑप्शन सी देख लेते हैं,
10,011। हाँ 10,011 भी हमारा क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि हमें पता है प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, तो एक से अनंत के बीच में कहीं ना कहीं 10,011 भी आएगा, यानी 10,011 भी हमारा क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, यानी ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ऑप्शन डी देखते हैं, तो देखो ऑप्शन डी क्या है, सिक्स। हाँ, सिक्स क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन हमें तो नहीं बोला गया है, यानी ये तो ऑप्शन गलत हो गया, यानी डी ऑप्शन भी गलत हो गया, है ना। चलो अब देखते हैं हम लोग ऑप्शन बी। तो कहीं हम लोग दशमलव के बारे में बात किए हैं, अभी हम लोगों ने कहीं दशमलव देखा, कहीं भी हम लोगों ने दशमलव नहीं देखा, यानी 1.75 जो है एक प्राकृतिक संख्या नहीं। चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, एक प्राकृतिक संख्या, इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर, नॉट ए नेचुरल नंबर, है ना। जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो, जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो, जल्दी से आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है, सारे बच्चों करना है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत चलो ठीक। इसी प्रकार एक और प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है, और उम्मीद करता है कि इस प्रश्न का भी उत्तर सारे बच्चे जल्दी से जल्दी पोल सेक्शन में कर देंगे, सही बच्चों को इसका उत्तर करना अनिवार्य है। सारे बच्चे इस प्रश्न का भी उत्तर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में कर देंगे, सही बच्चे करेंगे, जल्दी जल्दी इसका उत्तर कीजिए। कहाँ करना है आपको, इसका उत्तर पोल सेक्शन में करना है। प्रश्न पर ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न क्या लिखा है, प्रश्न लिखा है निम्न में से पहली पांच प्राकृतिक संख्याओं की पहचान कीजिए, निम्न में से पहली पांच प्राकृतिक संख्याओं की पहचान कीजिए। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, जल्दी जल्दी करेंगे सर बच्चे, निम्न में से पहली पांच प्राकृतिक संख्याओं की पहचान कीजिए। आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। सारे बच्चे करेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे, कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर करेंगे, ठीक है। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है, अगर आपको नहीं आती है या आती है कुछ भी हो, आपको उत्तर पोल सेक्शन में करनी है। अगर आप उत्तर पोल सेक्शन में नहीं करते हो तो आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस बहुत ही कम है, आपका जो डेटा होगा मेरे पास आएगा नहीं, तो मैं आपकी अटेंडेंस नहीं लगा पाऊंगा, ठीक है। तो सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है, सही बच्चे उत्तर करेंगे, पोल सेक्शन में आपको उत्तर करना है तो करना है, ठीक है। चलो इस बात पर ध्यान दो, लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड, जिन बच्चों ने उत्तर नहीं दिया जल्दी जल्दी उत्तर करेंगे, इसका क्या करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर इसका उत्तर करेंगे। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे बच्चे करेंगे, जल्दी जल्दी उत्तर करेंगे इसका, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे बच्चों को उत्तर आना चाहिए, पोल सेक्शन में उत्तर आना चाहिए, ठीक है। चलो अभी भी 31 बच्चों ने किया है, बहुत बढ़िया, अभी भी बहुत बच्चे बाकी हैं, जल्दी करेंगे इसका उत्तर, और जिन बच्चों ने उत्तर किया होगा उनको समझ में आ गया होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है ना। जल्दी करो सर बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे बच्चे करेंगे। चलो लास्ट 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, जिन बच्चों ने अभी भी पोल सेक्शन में उत्तर नहीं किया है बाबू, जल्दी जल्दी उत्तर करो आप लोग पोल सेक्शन में। आप लोग अगर पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करोगे तो आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस कम होगी और आपका रिपोर्ट नहीं बन पाएगा, जल्दी करेंगे सर बच्चे। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, चलो मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी कर पाएंगे, है ना। चलो 5, 4, 3, 2, 1, है ना। चलो देखते हैं, देखो बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। देखो प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या है ना, प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है, तो प्राकृतिक संख्या शुरू होती है एक से, कहां से शुरू होती है, प्राकृतिक संख्या शुरू होती है एक से, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6,
तो प्राकृतिक संख्या कहां शुरू होती है? एक से शुरू होती है। और हमें क्या बोला गया है, हमें क्या बोला गया है कि पहली पांच प्राकृतिक संख्या, पहली पांच प्राकृतिक संख्या, तो पहला ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा। यानी पहली पांच प्राकृतिक संख्या कौन हुई? एक से लेकर पांच तक। पहली पांच प्राकृतिक संख्या कौन हुई? एक से लेकर पांच तक। यानी ऑप्शन ए भी गलत, ऑप्शन बी भी गलत, ऑप्शन डी भी गलत, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन ए भी गलत, ऑप्शन बी भी गलत और ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है ना। सही बच्चों को समझ में आ गया होगा। यानी देखो कितना आसान सवाल है, हमें कितना आसानी से मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं, तो एक दो तीन चार और अनंत तक जाती है प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। क्वेश्चन में क्या बोला था, पहली पांच प्राकृतिक संख्या, तो मैंने काउंट कर लिया एक दो तीन चार पांच, ये पहली पांच प्राकृतिक संख्या हो गई। इस प्रकार ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर आपको ये प्रश्न आसानी से समझ में आ गया है, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। अगर आपको ये प्रश्न आसानी समझ में आ गया है, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। भव्य जोखा नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है, बाबू आप एक बार ही वाई टाइप करो, आपको मुझे समझ में आ जाएगा कि हमको आपको समझ में आ गया है। बहुत बार वाई टाइप करने से क्या होता है, बच्चा सब स्क्रीनशॉट नहीं ले पाता है। आप एक बार वाई टाइप करो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे समझ में। तो इस गीताराम गौतम नाम से भी जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबू मैंने अभी आपको बताया है कि आप एक बार वाई टाइप करो, मुझे समझ में आता है कि आपको समझ में आ गया। अब आगे से एक से ज्यादा बार कोई वाई टाइप करेगा, मैं उनको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। ध्यान देंगे सर बच्चे। चलो अब हम क्या करते हैं, हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या सीख लिया, अब हम लोग क्या सीखेंगे, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। चलो जिन जिन बच्चों को होल नंबर के बारे में पता है, जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जिनको थोड़ा बहुत भी डाउट है, चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। ठीक है, जिन जिन बच्चों को होल नंबर पूर्ण संख्या के बारे में पता है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जिनको नहीं पता है वो क्या करेंगे, एन टाइप करेंगे। जल्दी करेंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब कि अधिकतर बच्चों को पता है, कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं पता। कोई नहीं, मैं आपको अभी एकदम आसानी से समझा दूंगा, ठीक है, उसकी चिंता मत कीजिए। चलिए हम लोग सीखते हैं होल नंबर पूर्ण संख्याएं क्या होती है। बहुत बच्चों को पता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ध्यान दो, देखो कि पूर्ण संख्या क्या होती है। देखो ध्यान देंगे क्या, देखिए देखो, यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य, किसको, शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं, तो हमें संख्याओं का नया संग्रह प्राप्त होता है। इन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, चलो मैं समझा देता हूं आपको इसका मतलब क्या हुआ। देखो हमें पता है, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया प्राकृतिक संख्या, जब हम प्राकृतिक संख्या में शून्य जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं, तो उससे जो बना हुआ संख्याओं का संग्रह होता है, इसी को कहते हैं पूर्ण संख्या। इसी को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। इसका मतलब यहाँ पे हम लोगों ने क्या समझा, जल्दी सुनाएंगे सर बच्चे, कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, चैट बॉक्स बताइए सर बच्चे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, जल्दी सुनाएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्यों, क्योंकि हमें पता था कि प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी कौन सी होती है, वन। अब वन में हम लोग जीरो को सम्मिलित कर लिए, इसका मतलब सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो गई, वो हो गई जीरो। वो कौन सी हो गई, वो हो गई जीरो। यानी जीरो वन थ्री फोर फाइव सिक्स लेकर अनंत तक ये क्या हो गई, ये हमारी पूर्ण संख्या हो गई। अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गया है, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। आगे ना समझे, देखो बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये सीखा कि जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर दिया जाता है, तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है। तो इस प्रकार पूर्ण संख्या कौन कौन सी हुई, जीरो एक दो तीन चार, ये सबके सब क्या है, ये सबके सब आपके पूर्ण संख्या है, ये सबके सब क्या है, आपके पूर्ण संख्या है। अब देखो हम पूर्ण संख्या को किससे लिखते हैं,
होल नंबर लिखते हैं। तो आप बताओ पूर्ण संख्या को किससे डिनोट करेंगे, किससे दर्शाएंगे, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। चार बॉक्स में हम लोग पूर्ण संख्या को किससे दर्शाएंगे, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, पूर्ण संख्या को हम किससे दर्शाएंगे। देखो पूर्ण संख्या का इंग्लिश मतलब होता है होल नंबर। क्या मतलब होता है? होल नंबर। और होल नंबर क्या चीज से शुरू हो रहा है? देखो कैपिटल W से शुरू हो रहा है, यानी हम लोग पूर्ण संख्या को कैपिटल W से निरूपित या दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? कैपिटल W से। और हमको ये भी पता चल गया कि होल नंबर जो होता है शून्य से शुरू होता है, यानी शून्य क्या बोलता है? आई एम ए होल नंबर, मैं एक पूर्ण संख्या हूं। और शून्य क्या बोलता है? आई एम ए होल नंबर। और क्या नहीं बोलता है? आई एम नॉट ए नेचुरल नंबर, मैं एक प्राकृतिक संख्या नहीं हूं। लेकिन क्या बोलता है? मैं एक पूर्ण संख्या हूं। यानी शून्य क्या है? एक पूर्ण संख्या है। समझ में आ गया? चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चार बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तब जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। करेंगे सर बच्चे? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों ने तो समझ में आ गया है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक इसी प्रकार आपको क्या करना है, ठीक इसी प्रकार आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न दिया गया है, आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न दिया गया और इस प्रश्न का उत्तर आपको कहां देना है? पोल सेक्शन में जाकर करनी है। आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न दिया गया है और इस प्रश्न का उत्तर आपको कहां करनी है? पोल सेक्शन में जाकर करनी है, ठीक है। प्रश्न बहुत ही सरल है, ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर कीजिए। प्रश्न देखो क्या बोला है, निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है? आपको इसका उत्तर कहां करना है? पोल सेक्शन में जाकर करनी है, ठीक है। जल्दी करो इसका उत्तर, सर्वोत्तर करेंगे इसका उत्तर कहां करेंगे? पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर करनी है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो सारे बच्चे करेंगे इसका उत्तर। आपका मात्र एक मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व करो, इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जो बच्चे उत्तर कर रहे होंगे पता चल गया होगा कि कौन सा उत्तर सही है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 50 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, कॉपी किताब लेकर बैठना है, कॉपी पर आपको लिखते चलना है, समझते चलना है, फिर इसका उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। सारे बच्चे उत्तर करेंगे, अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो तो आपके अटेंडेंस लगने के चांसेस बहुत ही कम है, आपका रिपोर्ट नहीं बन पाएगा। तो जल्दी जल्दी इसका उत्तर आप पोल सेक्शन कीजिए। लास्ट 30 सेकेंड, जिन बच्चों ने उत्तर नहीं किया जल्द से उत्तर करेंगे सर बच्चे, ठीक है ठीक है, जल्दी करेंगे सर बच्चे इसका उत्तर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 10 सेकेंड, अभी भी आपके पास टाइम है, आपके पास अभी भी 10 सेकेंड का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व करो और इसका उत्तर जो है बाबू आप पोल कर दो, ठीक है। आपको माइक ऑन नहीं करना है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 5 सेकेंड, मैं क्या करता हूँ उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर जल्द से जल्दी आप लोग कहाँ दो, पोल से समझाकर दे दो, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, चलो देखते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है? क्या बोला है? पूर्ण संख्या। क्या बोला गया है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब शून्य से, ऐसी संख्या जो शून्य से शुरू होती है, शून्य 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक जाए से कहते हैं पूर्ण संख्या। अब बताओ मैंने कहीं 1/2 का बात किया है? नहीं किया है, यानी ये गलत हो गया। 1/3 की बात किया है? नहीं किया, ये भी गलत हो गया। -6 ऋणात्मक संख्या बात किया? नहीं किया, ये भी गलत हो गया है ना। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही है? देखो शून्य, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है, यानी ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है, शून्य जो है पूर्ण संख्या है। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में
डबल वाई टाइप करो, सारे बच्चे करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक, इसी प्रकार एक और प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है, और इस प्रश्न का भी उत्तर आपको कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर करनी है। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न बोल रहा है निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, और इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है। ध्यान से सॉल्व कीजिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ठीक है? चलो ध्यान देंगे सर बच्चे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों को उत्तर कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करनी है, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो जल्दी करेंगे, इसका उत्तर कहां करना है आपको, इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर आपको इसका उत्तर करनी है, ठीक है ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे उत्तर करेंगे, कहां करेंगे इसका उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर आपको इसका उत्तर करनी है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड, ठीक है ठीक है ठीक है, लास्ट 30 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो अगर आपको कोई भी सवाल का उत्तर आता है तो जल्दी से इसका उत्तर दिया करो, कहां दिया करो, पोल सेक्शन में, ठीक है? अगर हो सकता है कि थोड़ा बहुत भी आपको डाउट हो तो पहले क्या करो, उसको कॉपी बना लो, एक बार कॉपी पे सॉल्व कर लो, फिर इसका उत्तर दिया करो, कहां पे, पोल सेक्शन में, ठीक है? लेकिन पोल सेक्शन में उत्तर देना आपको है, जब तक आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं देते हो तब तक आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, आपका कोई भी रिकॉर्ड मेरे पास नहीं आएगा। जब तक मेरे पास आपका रिकॉर्ड नहीं आएगा तब तक मैं आपको अटेंडेंस नहीं दूंगा, इस बात पर ध्यान देंगे सर बच्चे। आप पोल सेक्शन में उत्तर दोगे तभी आपकी अटेंडेंस अच्छे से मिल पाएगी, ठीक है? चलो तभी हम लोग आपका रिपोर्ट अच्छे से बना पाएंगे, है ना। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलो मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले कोशिश कीजिए सारे के सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर दे, है ना। चलो 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो पहले देख लेते हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो शून्य से शुरू हो, शून्य 1 2 3 4 5, ये सभी की सभी क्या, ये सभी की सभी जो है आपकी पूर्ण संख्या है, ये सभी सभी क्या है आपकी पूर्ण संख्या, यानी शून्य सबसे क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो माइनस वन तो होगा नहीं, एक से छोटा तो जीरो है, दशमलव वाला तो होता नहीं है, तो कौन सा सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो जीरो जो है सबसे छोटी, लिख देता हूं यहाँ पे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो, जल्दी करेंगे सर बच्चे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ले लिया आपने, बहुत बढ़िया। चलो चलो बहुत बढ़िया। चलो ठीक, इसी प्रकार एक लास्ट प्रश्न जो कि आपके कहां देना है, इस प्रश्न के उत्तर भी आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। जल्दी से इसका उत्तर करो, कहां देना है इसका उत्तर, आपको पोल सेक्शन में जाकर इस प्रश्न के उत्तर करनी है। देखो बहुत ही आसान प्रश्न है, ध्यान से कीजिए इसका उत्तर। पर देखिए क्या बोला है, बोला क्या है, बोला क्या है, निम्न में से पहली 5 पूर्ण संख्याओं को, पूर्ण संख्या बोला गया है ना कि प्राकृतिक संख्या बोला गया है, ठीक है? चलो आपके पास 1 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व करो और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दो। सभी बच्चे इसका उत्तर करेंगे, कहां करेंगे इसका उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर आपको इसका उत्तर करनी है, है ना। चलो चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे, कहां करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर करनी है। चलो जल्दी करेंगे इस प्रश्न का उत्तर।
ठीक है जल्दी करेंगे सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 50 सेकेंड। चलो उम्मीद करते हैं कि अधिकतर बच्चों जो है उनको पोल सेक्शन के बारे में समझ में आ गया। जिनको थोड़ा बहुत भी पोल सेक्शन में बारे में डाउट होगा वो क्लास के बाद जरूर रुकेंगे और मुझसे पूछ लेंगे कि सर एक बार फिर से बता दो कि पोल सेक्शन कैसे आता है। ठीक है, जब तक आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करोगे आपका रिकॉर्ड मेरे पास नहीं आएगा। अगर आपका रिकॉर्ड मेरे पास नहीं आएगा मैं आपको अटेंडेंस नहीं दूंगा। ध्यान देंगे इस बात पे। ठीक है चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड, 20 सेकेंड। सर ठीक है, शहजाद खान नाम से जो ही बच्चा ज्वाइन किया है बाबू कोशिश करो कि क्लास जो है जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। क्योंकि मैं जो भी पोल में उत्तर दे मतलब क्वेश्चन कराता हूं अगर उसका उत्तर आप लोग नहीं देते हो तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। जैसे शहजाद खान नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है आप 6ठा प्रश्न का उत्तर दे रहे हो, है ना, इसके पहले वाला प्रश्न का उत्तर आपने नहीं दिया है तो आपका ऐसे ही अटेंडेंस नहीं रहेगा। तो कोशिश किया करो कि आप क्लास जो है जल्दी से जल्दी ज्वाइन किया करो। ठीक है चलो अगले क्लास से क्लास जो है जल्दी ज्वाइन करना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 5 सेकेंड। चलो मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे जल्दी से जल्दी इसका उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो देखते हैं। चलो हमें पता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या है ना। चलो पूर्ण संख्या देख लेते हैं। चलो देख लेते हैं पूर्ण संख्या। चलो पहला पूर्ण संख्या है शून्य, शुरू होता है 0 1 2 3 4 5 ऐसे। देखो पहला 5 देखते हैं तो पहला क्या है, पहला 0, दूसरा 1, तीसरा 2, चौथा 3, पांचवा 4। मतलब 1 0 से लेकर 4 तक क्या होगा, पहली 5 पूर्ण संख्या होगी। पहली 5 पूर्ण संख्या होगी है ना। 0 से लेकर पहली 5 कौन सी होगी, पूर्ण संख्या होगी। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। सारे बच्चे करेंगे। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। ले लिया अपने स्क्रीनशॉट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ले लिया अपने स्क्रीनशॉट। ठीक है चलो तो अगली कक्षा से क्या करना है सारे बच्चों को, आज की क्लास में मैं आपको होमवर्क नहीं दे रहा हूं। अब से जो भी होमवर्क मिलेगा आपका जो न्यू कार्यक्रम है उसमें मैंने आपको जो बुक दिलाया है, आपको वर्कशीट वाले जो बुक दिया है उसी में आपको होमवर्क दिया जाएगा। ठीक है, तो अगली कक्षा से क्या करना है सारे बच्चों को, वो जो न्यू कार्यक्रम नाम से जो बुक दिया गया है उस बुक को अपने पास रखना है और उसी में साथ के साथ हम लोग होमवर्क दिया करेंगे। ठीक है चलो, तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है वो बच्चा क्या करेगा, चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं, है ना। चलो आज की कक्षा में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है बच्चा एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। ओके, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट।